नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है जहाँ शराब माफिया राजू सिंह के दो ईंट भट्टे सीज हुए। सीज भट्टों कीमत लगभग 78 लाख बताई जा रही है। अवैध शराब से अर्जित संपत्ति पर पुलिस की कार्रवाई है। करोड़ रुपए के मकान प्लॉट पर चाबुक चल चुका है। भीमसेन सिंह उर्फ राजू सिंह पर कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में खलबली मची है। अमेठी पुलिस ने शराब कारोबारी के ईंट भट्टे को सीज किया। राजू केठावर उर्फ भीम सिंह द्वारा पूर्व में शराब की बिक्री में तत्समय होने के कारण जो धन इन्होंने अर्जित किया है उससे जो भट्टे संचालित किए जा रहे थे उनके खिलाफ 14(1) की गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत एक पश्चिम गांव का 78 लाख का है और दूसरा ये है पचखेरा का, जो दोनों भट्टे आज सीज किए गए हैं। अयोध्या माया बाजार से खबर है जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के तहत 115 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। MLC हरिओम पांडे और विधायक अभय सिंह ने वरवधु को आशीर्वाद दिए। 14 दिसंबर 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या मुनिराज जी द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत आमजन में सुरक्षा की भावना जागृत करने और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते क्षेत्र के प्रमुख बाजार और चौराहों का भ्रमण किया गया। थाना खानपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम शेरपुर बेला और मारडा बेला के ग्रामीणों के मध्य ग्राम समाज की भूमि के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद पर पूर्व में थाना स्तर से कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई थी और उपजिलाधिकारी द्वारा अविलंब ग्रामीणों को जमीन की पैमाइश के लिए प्रशासनिक टीम गठित करने को निर्देश दिया गया था। उक्त जमीनी विवाद को लेकर 14 दिसंबर 2022 को ग्राम प्रधान पति शेरपुर बेला सुखदेव द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचित किए बिना जमीन पर कब्जे को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ अपने घर पर रखी गई मीटिंग के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना पर पुलिस टीम के मौके पर पहुंचकर विवाद की स्थिति को रोकने के लिए दोनों गाँव के ग्राम प्रधानों को थाने लाने के लिए सरकारी वाहन में बिठाया गया तो शेरपुर वेला गांव के ग्रामीणों के द्वारा एकदम एक राय होकर पुलिस टीम पर हमला और पथराव कर सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जालौन पहुंचे IG जोगेंद्र सिंह ने जिले के पुलिस महकमे का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन से संचालित विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में रामपुरा थाना जो है IGRS की शिकायतों में प्रथम स्थान हासिल किया है, इस उपलब्धि को किस तरह देखते हो? क्या जनपद में कई थाने हमारे रेंज के जो है टॉप आए हैं। इस बार भी हमारा जालौन जनपद का रामपुरा थाना IGRS की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया। उनको हम प्रशस्ति पत्र देंगे और SP साहब की तरफ से भी उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। IGRS एक जन सुनवाई की त्वरित प्रणाली है और उसमें हमारे जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं और CO's और SHO's हैं सभी को निर्दिष्ट किया जाता है समय समय पे कि उसमें जो है जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उसका त्वरित निस्तारण हो और पब्लिक को त्वरित न्याय मिले। धन्यवाद। अगली खबर कानपुर से है जो स्कूल टीचर के टॉर्चर करने से तंग होकर छात्रा ने स्कूल की छत से छलांग लगाई। रेल बाजार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे का बयान सामने आया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।